हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, साइंटिस्ट का कहना है कि हमारी गैलेक्सी एक बहुत बड़े बबल के अंदर एग्जिस्ट करती है। उनका ये भी कहना है कि हो सकता है ये हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन के रेट को डिटरमाइन करने में थोड़ी हेल्प करे। चलिए देखते हैं कि आखिर वो ये सब क्यों कह रहे हैं। मेरा नाम है दीपांशु वर्मा एंड यू गाइज आर वॉचिंग द ट्रेंडिंग टेक। आज हम जब अपने पावरफुल टेलीस्कोप्स का यूज़ करके यूनिवर्स में दूर की गैलेक्सीज की तरफ देखते हैं तो हमें एक बात साफ नज़र आती है कि ये सब हमसे दूर जाती जा रही हैं। इस चीज़ को सबसे पहले 1927 में एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था जिनका नाम था जॉर्जिस लिमेटर। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि हो सकता है एक टाइम ऐसा रहा होगा कि ये सारी चीज़ें शुरू हुई होंगी एक सिंगल पॉइंट से, जिसे आज हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि आगे चलकर एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी गैलेक्सीज के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण ये एक्सपेंशन का रेट कम हो जाएगा और इवेंचुअली ये सारी चीज़ें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी और सारी की सारी चीज़ें एक वापस से सिंगल पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी। लेकिन इस थ्योरी के ठीक बाद एडविन हबल ने कुछ स्ट्रेंज चीज़ों को ऑब्जर्व किया जब उन्होंने देखा कि जो गैलेक्सीज हमसे ज़्यादा दूर हैं वो और भी ज़्यादा स्पीड से हमसे दूर जाती जा रही हैं, जबकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो गैलेक्सीज की एक्सपेंशन का रेट टाइम के साथ साथ कम होना चाहिए, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। और तब साइंटिस्ट ने इस रेट ऑफ एक्सपेंशन को कैलकुलेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया हबल लिमिटर लॉ और हबल कांस्टेंट को। और हबल कांस्टेंट के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के रेट ऑफ एक्सपेंशन का स्पीड है 70 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा स्पार्सेक, यानी कि हर 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी तक जाने पर हमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट में 70 किलोमीटर पर सेकेंड तक की बढ़ोतरी नज़र आती है। बट यहाँ पर मेन प्रॉब्लम तब सामने आई जब हमने इसे कैलकुलेट करने के लिए दो अलग अलग मेथड्स को यूज़ किया, लेकिन हमें उनसे दो अलग अलग रीडिंग्स मिली, जिनमें पहला मेथड था कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से ली गई डेटा पर, जिसे रिकॉर्ड किया गया था प्लैंक सैटेलाइट से। इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स को होमोजीनियस और आइसोट्रॉफिक माना गया और इससे हमें जो हबल कांस्टेंट मिला उसका वैल्यू था 67.4 का। और वहीं दूसरे मेथड में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया सुपरनोवा को, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन होता है जब कोई बहुत बड़ा स्टार अपनी लाइफ को एंड करता है, और इससे हमें हबल कांस्टेंट की वैल्यू मिली 74। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों मेथड्स अपने आप में बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर क्यों ये अलग अलग रीडिंग्स दे रहे हैं। वेल, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा का एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट का कहना है कि उन्होंने फाइनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। उनके अकॉर्डिंग हमारी धरती, सोलर सिस्टम, पूरा मिल्की वे गैलेक्सी और हमारे आसपास मौजूद कुछ हज़ारों गैलेक्सी एक बहुत बड़े इस बबल के अंदर मौजूद हैं, जिसका कि डायमीटर है 250 मिलियन लाइट ईयर्स का। और उनके अकॉर्डिंग इस बबल के अंदर मौजूद मैटर्स की डेंसिटी यूनिवर्स में बाकी जगह स्प्रेड हुए मैटर्स की डेंसिटी से लगभग आधी की होगी। ज़रा सोच के देखिए कि अगर हम एक बहुत बड़े बबल के अंदर मौजूद हैं तो ऐसे में अगर हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन की तरफ देखेंगे ताकि हमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन का रेट समझ में आ पाए, तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि इसमें वेरिएशन ज़रूर मिलेगी। इसके साथ साथ ये हमें हेल्प करेगी हबल कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए, जो कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से मैच भी करे। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि पूरे यूनिवर्स में बिल्कुल इसी तरह के कई सारे रीजन्स मौजूद होंगे। फिलहाल इस फील्ड में कई सारी स्टडीज़ की जानी बाकी है, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि वाकई हम किसी एक बड़े से बबल के अंदर रहते हैं या नहीं, और हो सकता है कि इससे हमें डार्क मैटर को समझने में भी हेल्प मिले। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज के हमारे वीडियो से कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।